And good morning to everyone. So, good morning to everyone. Just, just I will show the attendance. One. Two, three, four, five, and six. I think six person up to now are present. Okay. So, seven. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन. तो कल कुछ क्वेश्चंस हमने वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कर रखे थे. वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे भी पोस्ट किया है, तो अभी तक कोई सोल्यूशन आई थिंक कि मुझे नहीं मिला है किसी का सोल्यूशन. मैंने कल शाम को इसको पोस्ट किया था और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है. जैसे जो क्लास में क्वेश्चन लिया था उसमें शायद वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, और जो क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया है उसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है. ठीक है, बट जो मेथड होगा मेथड विल बी सेम. मेथड सेम होगा, मतलब जो मेथड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेरिएशन भी यूज करेंगे. हाँ, अभी तक किसी का सोल्यूशन नहीं आया. दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, बट डिफिकल्ट है नहीं. तो अगर कल की क्लास में तुमने ध्यान से देखा होगा, या कल के जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कल परसों जो चल रहे थे क्वेश्चन, वो अगर प्रॉपर तरीके से किए होंगे तो आई थिंक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. तो आज का फिर टाइम ले लो, आज आराम से सॉल्व करो उसको, है ना. सॉल्व करके पोस्ट करो, और फिर आज हम लोग कुछ सिंपल टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ बोर्ड टाइप की चीजें डिस्कस करेंगे. बोर्ड की जितनी भी चीजें हैं मैं कोशिश करता हूँ वो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो. तो एनसीईआरटी का पूरा प्रेजेंटेशन मेरे पास है, तो बोर्ड की चीजें जब भी मैं कोई प्रेजेंटेशन दूंगा तो वो समझ लो बोर्ड के लिए है. ठीक है, तो यहाँ पर आज का स्पेशल डिस्कशन बोर्ड और ऑब्वियसली नीट और जेई के बेसिक कंसेप्ट होंगे. बोर्ड, जेई, नीट के बेसिक कंसेप्ट. जब थोड़ा सा जेई एडवांस का लेना होगा वो मैं बता दूंगा. जैसे कल और परसों की जो क्लास थी वो एक तरह से जेई एडवांस की क्लास थी, मतलब वो कंसेप्ट जेई एडवांस में पूछेंगे. जेई मेंस में भी पूछ सकते हैं क्योंकि मेंस भी थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने, है ना. तो मेंस में भी पूछ सकते हैं और एडवांस में भी पूछ सकते हैं. मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन तो एडवांस में ही आते हैं. तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन. थोड़ा सा बोर्ड का प्रेजेंटेशन है आज, शायद हम वही प्रेजेंटेशन करेंगे और जल्दी जल्दी थोड़ा फिनिश करेंगे, ईजी है. नाउ आई विल कम टू प्रेजेंटेशन. दिस इज प्रेजेंटेशन. आई थिंक मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है इस प्रेजेंटेशन में. हाँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. ओके, सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है. एक जो क्वाइन है यहाँ पे रखा हुआ है, और शायद इसको हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं दूसरा प्रेजेंटेशन लेके एक्सप्लेन करता हूँ. ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू तुम्हारी एनसीईआरटी बुक, उसके अकॉर्डिंग है. एग्जैक्टली एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट है. तो स्कूल में हम एग्जैक्टली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और फिर हर तरह का, जैसे मेरे लेक्चर में तुम्हें स्कूल लेवल, नीट लेवल, एडवांस लेवल सब मिलेगा. कंप्लीट 100% पैकेज है. ठीक है, 100% पैकेज है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, जेई मेंस एंड इवन फॉर स्कूल. तो देखते हैं प्रेजेंटेशन. इस प्रेजेंटेशन में एक क्वाइन पड़ा हुआ है और एक आदमी साइड से इसको ऑब्जर्व कर रहा है. तो ये क्वाइन इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है. एक और प्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया था इस तरह से. तो ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है. तो ये हम सब बता चुके हैं. लाइट रे जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, जिस मीडियम में स्पीड कम होती है उस मीडियम में लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है. और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बता चुका हूँ, और इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लेना है. आई थिंक आई एम नॉट क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस. ये हटा ही देता हूँ मैं, बार बार इधर उधर करना पड़ेगा. चलो थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूँ. नाउ ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया. इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता होगा. नेक्स्ट इसमें जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समझ हम पहले भी चुके हैं.
ये बोर्ड का, यहाँ पे किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उल्टी होती है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/b, और वाटर का ये तुम्हें याद रख लेना है, बार बार यूज होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है, और अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक इस तरह से, तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं। नेक्स्ट देखो, तो यहां से ही यहां पर इसको मैंने कल इस प्रेजेंटेशन को, कल एक सेकेंड, ये वाला जो प्रेजेंटेशन है इसको कल जो एडवांस का क्वेश्चन था उसमें मैंने मल्टीपल मीडियम्स दिखाए थे, यहां पर ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मल्टीपल मीडियम्स हैं। तो पहला मीडियम यहां से ये ग्लास है और ये वाटर है, या सॉरी ऊपर वाटर है, हाँ लिखा हुआ है ऊपर वाटर है नीचे ग्लास है, तो लाइट रे जैसे वैक्यूम से वाटर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ग्लास उससे ज्यादा डेंसर मीडियम होता है, यानी ग्लास में जो स्पीड है वो और भी कम होती है, ठीक है, डेंसर मतलब जो मीडियम में स्पीड जितनी कम होगी वो उतना डेंसर होगा, ठीक है, यहां पर डेंसर से डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट कंसेप्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी का जो कंसेप्ट है ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है, ठीक है, डेंसिटी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके सो ये ऑप्टिकल डेंसर है, तो इसमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी है, ये छोटा सा ये इस तरह से, तो प्रेजेंटेशन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल से समझ गए होगे ना, उसके बाद डेंसर, एक सेकेंड, डेंसर मीडियम से भी लाइट रे जा सकती है, वेट फॉर सेकेंड, वेट फॉर सेकेंड, वेट फॉर सेकेंड, मैं आराम से करता हूँ, यहाँ पे हो गया, ये था लाइट रे, ये जल्दी जल्दी से हम बोर्ड समझ लो, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में रिवाइज कर रहा हूँ, है ना, समझ लो एक चीज, समझ लो आज हम जैसे ये जो प्रेजेंटेशन है ये इस तरह का प्रेजेंटेशन दिखाया ना, इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मजा आएगी, ये प्रेजेंटेशन पूरा एनसीईआरटी पे कॉपी पेस्ट करके बना हुआ है, तो ये एनसीईआरटी का जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं, तो आज शायद एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं वो कवर कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट कर लेंगे, फिर उस पर कल क्वेश्चन करेंगे अच्छे तरह से क्वेश्चन करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स कम, यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर पीछे आए थे, ऑप्टिकल डेंसिटी डिफाइन की थी, ऐसे जा रहे थे, इसके बाद फिर नेक्स्ट है ऑप्टिकल डेंसिटी, ये मैंने दिखाया था, इसमें रिवर्सिबिलिटी भी फॉलो हो सकता है, यहां पे लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, ऐसे है ना, रेयर मीडियम में क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, वेलोसिटी कम होगी तो नॉर्मल के पास आएगी, ये हम सब कर चुके हैं, रेयरर से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी कम होती है, डेंसर में वेलोसिटी कम होती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, आई थिंक तुम्हें फॉर्मेट्स प्रिंसिपल याद आता होगा, मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, फटाफट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब पढ़ चुके हो तुम, है ना, इस तरह से। ओके नाउ ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यहाँ पे थोड़ा लाइट दिखा दिया, तीनों का प्लेन एक ही होता है, तो अगर बोर्ड में समझाना है तो मैं ऐसे ही समझाऊंगा कि इंसिडेंट, अगर बोर्ड में लिखना है तो रूल ऐसे ही, या सिंपल अगर स्कूल लेवल की बात करें तो उसमें वेक्टर फॉर्म नहीं देंगे, जैसे मैंने जब थोड़ा एडवांस का कंसेप्ट बताया तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म करके बताया, अब इसमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं, उसी को वर्ड के फॉर्म में बोलोगे, तो वर्ड के फॉर्म में क्या है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, तो ये प्लेन तो मैं दिख रहा है ना, तीनों का सेम प्लेन होगा, अब आगे बढ़ते हैं, तीनों का प्लेन सेम हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हो गया, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं, प्रिंटेड कैलकुलेशन है जल्दी से देख लो, यहाँ पर जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है N21, N21 इसका मतलब है दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है फ्रॉम फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखेंगे, तो N21 की वैल्यू हो जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, N21 वाला मीडियम आई वाला है, टू वाला आर वाला है, तो
एन टू वन को हमने ऐसे लिख लिया, एन टू वन की वी वन की वैल्यू वी वन अपॉन वी टू होती है, ये मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एन की वैल्यू सी अपॉन वी के बराबर होगी, ठीक है, एन वन हो जाएगा सी अपॉन वी वन, ठीक है, एन टू हो जाएगा सी अपॉन वी टू, तो यहाँ से ये रिलेशन फटाफट देख लो, वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले से, ठीक है, एन टू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू, है ना, दैट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, सो एन वन टू, ये क्या है, दूसरे मीडियम में लाइट की लाइट ट्रैवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम से आ रही है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट मीडियम में आ रही है फ्रॉम सेकेंड मीडियम, ठीक है, ये v2 टू अपॉन वी हो जाएगा, और ये मैं सवाल भी दे चुका था, n21 टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन एन टू, ये डेरिवेशन हम कर चुके थे, जस्ट फॉर रिविजन आई एम गिविंग यू, ठीक है, सिमिलरली इसको थ्री मीडियम के लिए भी कर सकते हैं, जस्ट वी कैन डू फॉर थ्री मीडियम, बोर्ड की चीजें हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे, यहाँ से लाइट रे है, इसको बनाओगे, लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर इसका तीसरे मीडियम में जा रही है, कल मैंने इसको डिस्कस किया है, बस इसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में करना है, एन टू वन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में होती है वहां से लाइट रे आती है, और जिसका होता है वहां पे लाइट रे जाती है, तो एन टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, एन थ्री टू, थ्री टू इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थ्री विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, एन थ्री वन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थ्री विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, वी वन वी टू वी थ्री आर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू एंड थ्री, वेरी इजी, फटाफट करते हैं इसको, अब हम इसको लिख सकते हैं एन टू वन को लिख सकते हैं वी वन अपॉन वी टू, हम पहले देख चुके हैं, एन थ्री टू को लिख सकते हैं वी टू अपॉन वी थ्री, और एन थ्री वन को लिख सकते हैं वी वन अपॉन वी थ्री, है ना, सॉरी इसको वी टू अपॉन वी थ्री, अब इन तीनों को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, वी वन अपॉन वी थ्री इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी थ्री इंटू वी वन अपॉन वी टू, यहाँ से वी टू कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वी वन अपॉन वी थ्री आ जाएगा, ठीक है, वी वन अपॉन वी थ्री है एन थ्री वन, और इधर है एन थ्री टू इंटू एन टू वन, ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा, एन थ्री वन इज इक्वल टू एन टू वन, तो ये एक बेसिक रिलेशन आ गया, आई थिंक इसको समझने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी, ये बोर्ड में एनसीईआरटी में इजी इजी है, तो साथ में हम लोग पैरेलली बोर्ड का भी करते रहेंगे, है ना, बोर्ड का अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो आई विल मूव टू वन मोर प्रेजेंटेशन, वेट फॉर सेकेंड, इसको ये भी चल रहा है, ठीक है, wait for a second, one more presentation is there, अब आगे हम लोग बात करते हैं glass slab पे, तो next presentation is for glass slab, ठीक है, तो glass slab का discussion कर लेते हैं, basic concept तो पता ही है, तो next discussion is on the glass slab, ठीक है, wait second, I am working with glass slab, दो second रुक जाओ, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में कुछ भी नहीं होता, ग्लास स्लैब बेसिकली एक ग्लास का स्लैब होता है, ठीक है, यहां पर एक चीज समझ लो, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले समझ लो, पहले मैं वही करता हूँ, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वो देख लेते हैं, आई एम कम टू, मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, मुझे लिखने की कोई डिवाइस चाहिए, मेरे पास लिखने की कोई डिवाइस है, वेट अ सेकेंड, मैं लिखने की डिवाइस ढूंढ रहा हूँ, फिर स्क्रीन लाता हूँ, कहीं भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा तो लिखना है, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बढ़िया सी डिवाइस ऑन करता हूँ तब तक, क्योंकि जस्ट राइटिंग डिवाइस, मेरी पुरानी डिवाइस पेंट इज नॉट वर्किंग, तो आई एम सर्चिंग अनदर डिवाइस, okay, I got it, चलो मैं लाता हूँ, I'm at this device, okay, this is perfect, no, so अभी आगे का जो discussion हम लोग करेंगे, आगे का जो भी discussion करेंगे, उस discussion में refraction दो part में discuss करेंगे, actually मैं एक बात तो समझ लो, हमें ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही डिस्कस करने हैं, ऑप्टिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब डिस्कस करने हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम अभी तक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर डिस्कस कर चुके हैं, और अब आगे भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही डिस्कस करेंगे, तो अब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, एक तो ग्लास स्लैब होगा, बेसिक रिफ्रैक्शन, अभी तक हमने बेसिक रिफ्रैक्शन लॉस पढ़े हैं, तो अभी तक जो भी डिस्कशन था बेसिक रिफ्रैक्शन लॉस को लेके था, आगे हम लोग बात करेंगे, ग्लास का एक स्लैब है जो यूज होता है,
ग्लास का स्लैब यूज होगा, दूसरा है लेंस यूज होगा, प्रिज्म यूज होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करेंगे, लेंस और प्रिज्म का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, प्रिज्म और मिरर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग, और बेसिक कंसेप्ट सिर्फ एक होगा, एक ऑप्टिकल सिस्टम से जो इमेज बनेगी वो दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो मगर इसमें जो मेन कंसेप्ट है, यू कैन डिवाइड ऑप्टिकल सिस्टम इन टू कैटेगरीज अभी का जो आगे का डिस्कशन है, क्योंकि अब हमें रिफ्लेक्शन लगाना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके, अब हमें रिफ्रैक्शन लगाना है, रिफ्रैक्शन लगाना, ठीक है, रिफ्रैक्शन लगाना है। रिफ्रैक्शन फिर दो कैटेगरी में लगाना है, एक कैटेगरी वो होती है जिसमें रिफ्रैक्शन बाय स्नेल्स लॉ कि आई एंड आर इज टेंडिंग टू जीरो, आई एंड आर दे आर टेंडिंग टू जीरो, दे आर टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स फॉर पैराक्सियल रेस, पैराक्सियल रेस। तो ये पैराक्सियल रेस के लिए हम लोग लेंस में, इसमें जो यूज करेंगे वो लेंस हो जाएगा, लेंस में पैराक्सियल रेस कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए लेंस के जो फॉर्मूले होते हैं वो मिरर के फॉर्मूले की तरह होते हैं। तो लेंस में पैराक्सियल रेस, कर्व सरफेस आएगा, कर्व सरफेस में पैराक्सियल रेस, सबसे पहले कर्व सरफेस डिस्कस करेंगे फिर लेंस। ये मैंने उल्टा लिखा है, एक्चुअली में कर्व सरफेस की हेल्प से लेंस को डिस्कस करना है, ये ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा इसमें कैटेगरी आती है, व्हेन आई एंड आर इज नॉट टेंडिंग टू जीरो, यू कैन से व्हेन आई एंड आर इज लार्ज, इस कैटेगरी में आएगा जीएस मतलब ग्लास स्लैब आएगा और प्रिज्म आएगा, ठीक है। और इसमें तो मार्जिनल रेज भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आई और आर अगर लार्ज है तो ये दो कैटेगरी। पहले हम इसको, मैं उल्टा लिख रहा हूं हर जगह, पहले हम इसको स्टडी करेंगे, ये फर्स्ट स्टडी होगी और ये फिर सेकंड स्टडी होगी, ठीक है। और फिर इसमें लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, बोर्ड वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सब भी डिस्कशन होगा। चलो अपनी स्टडी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं विथ अनदर प्रेजेंटेशन, एक और प्रेजेंटेशन की तरफ मैं जा रहा हूं, 2 मिनट में प्रेजेंटेशन आ रहा है, एक और प्रेजेंटेशन। और अब की जो प्रेजेंटेशन है 2 मिनट में आएगा, अब की जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन ग्लास स्लैब के ऊपर है, ये तो हम प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज फॉर ग्लास स्लैब, वेट, टैकल ग्लास स्लैब, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, गोइंग टू द प्रेजेंटेशन। कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया मैं रीड कर लेता हूं। हाँ, ग्लास स्लैब, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ग्लास स्लैब, अभी 2 मिनट में स्क्रीन आ रहा है, जस्ट 2 मिनट। ओके, पर्पल कलर, पर्पल कलर, ठीक से, पर्पल कलर मुझे पसंद बहुत है, इसलिए लाइक पर्पल कलर, इसलिए चलो नहीं लिखूंगा पर्पल कलर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्पल कलर से लिखना। चलो कम टू द प्रेजेंटेशन नाउ, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज ग्लास स्लैब का प्रेजेंटेशन, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये हमारा ग्लास स्लैब है, आई थिंक इट इज विजिबल, मैंने अपने आप को हटा लिया है ताकि तुम ध्यान से देख पाओ इसको, थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ये मेरा, ये यहाँ से, ये थोड़ा सा इधर, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं इसको, ये मैंने कहीं से बीच से लिया। तो दिस इज अवर ग्लास स्लैब, इस तरह का ग्लास स्लैब होता है, ये ग्लास स्लैब है, तो इसको ध्यान से देख लो, प्रैक्टिकली ऐसा होता है ग्लास स्लैब, प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे लाइट रे आएंगी ग्लास स्लैब में और ऐसे बाहर निकल जाएंगे,
और इसमें जो इंसिडेंट लाइट रे होगी इसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इसको रिफ्रेक्टेड लाइट रे और इसको इमर्जेंट लाइट रे। यहां पे दो सरफेस होती है, एक तो सरफेस ये वाली सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है। तो ये एक ये इंसिडेंट लाइट रे हो गया, ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मैं टाइम देख लूँ, 20 मिनट ही हुआ अभी, तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ ये हो गई इंसिडेंट लाइट रे, आई थिंक कर्सर प्रॉपरली दिख रहा होगा, तो ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई, ये रिफ्रेक्टेड लाइट रे कहते हैं इसको, और ये इमर्जेंट जो बाहर निकलती है वो इमर्जेंट लाइट रे होती है। ठीक है, सिमिलर तरह का हम डिस्कशन यूज करते हैं फॉर प्रिज्म भी, प्रिज्म के लिए भी इसी तरह का डिस्कशन होता है। तो ये और प्रिज्म में बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो पहले ग्लास स्लैब पढ़ेंगे, फिर प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिज्म, ग्लास स्लैब, प्रिज्म, फिर कर्व सरफेस, फिर लेंस, ऐसे। तो इसके लिए कुछ छोटे मोटे जो डेरिवेशन है वो फटाफट कर लेते हैं। तो ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है, एयर है, ग्लास है, यहां से लाइट रे एंटर कर रही है, और ये हो गई रिफ्रेक्टेड लाइट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज एनजीए। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनजी है, एनजीए। तो एनजी को हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। जब लाइट रे ग्लास में एंटर करती है एयर से, तो ऊपर जो है एयर वाला लिखते हैं और इधर ग्लास वाला। इसको इसी फॉर्म में रख लो, और तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, तो ऐसे ही लिखना अगर स्कूल में लिखना है तो, है ना। ये पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, इसको इस प्रेजेंटेशन को मैं फोर्सफुली लेता हूं क्योंकि इसमें पूरा एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। ये प्रेजेंटेशन मैंने एनसीईआरटी बेस्ड पर ही बनवाया है, एनसीईआरटी बेस्ड पे पूरा 100%। तो इस बहाने एनसीईआरटी कवर हो जाता है, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एंड नीट ऑल्सो। अभी जेई नीट पे एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो कवर करना, एनसीईआरटी की बुक कवर करना बहुत जरूरी है। तो एनजीए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहां से आर और थीटा। आई थिंक डायग्राम दिख रहा होगा, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, आई थिंक डायग्राम इज विजिबल। उसके बाद क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एन ए जी। ठीक है, अब उल्टा लेंगे। अब क्योंकि लाइट रे ग्लास से एयर में आ रही है, तो एयर जिसमें आ रही है उसको पहले लिखेंगे, जहां से आ रही है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, फिर जिसमें आ रही एयर में और जहां से आ रही है, इधर साइन आर पहले लिखेंगे अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो फिर हमें पता है कि एनजीए इसके रेसिप्रोकल होता है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा आई इज इक्वल टू थीटा। तो ये चीज हमने मल्टीपल सरफेस के लिए ऐसे ही प्रूफ कर रखी थी। ये मैंने इसलिए ऐसे दिखा दिया क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कभी स्कूल स्कूल में लिखना और कोई एनसीईआरटी से चेक करेगा, तो एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी लिखना सीख लेना कि कभी स्कूल में कोई टीचर ना माने, तो कई टीचर ऐसे होते हैं ना जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखो, तो उनके लिए स्पेशली बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, वैसे तो कैसे भी लिखोगे चलेगा ना। तो इससे प्रूफ हो गया आई की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, आई की वैल्यू थीटा के बराबर, मतलब जो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, एक्चुअली में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, फिर ये आर और ये आर बराबर होगा। यहां से लाइट रे क्योंकि बाहर निकल रही है, ग्लास स्लैब के बाहर निकल रही है, तो ग्लास स्लैब के लिए थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ग्लास स्लैब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होते हैं। ग्लास स्लैब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। नाउ इजी टॉपिक, नाउ फटाफट करते हैं इसको, जल्दी जल्दी करते हैं। सो एक और चीज है डेरिवेशन, हम फटाफट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहां पर, है ना। ये भी बुक के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी में डेरिवेशन है। ये लाइट रे अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो ये ऐसे सीधी निकल जाती, ऐसे सीधी, ये दिख रहा है ना, सीधी निकल जाती। अब ग्लास स्लैब की वजह से ये ऐसे लिटरली डिस्प्लेस हो गई, लिटरली शिफ्ट हो गई है। तो इस मतलब इसकी इनिशियल डायरेक्शन और जो फाइनल डायरेक्शन है उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको कहते हैं लिटरल शिफ्ट या लिटरल शिफ्ट। ठीक है, लिटरल शिफ्ट, और अभी तुम्हें इस प्रेजेंटेशन में मजा आएगी थोड़े से। लिटरल शिफ्ट जो है तीन चीजों पर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है, और थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, लिटरल शिफ्ट तीन चीजों पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करती है,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। तो कोई चीज किस पे डिपेंड करती है इसको समझाने का एक तो फॉर्मूले वाला तरीका होता है, मगर कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूले में जो होता है उस पर वो डिपेंड नहीं करती। तो दूसरा तरीका होता है लॉजिकली समझाने का या प्रैक्टिकली समझाने का। लॉजिक मतलब, लॉजिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल चीजों को एक्सप्लेन करना। तो प्रेजेंटेशन में क्योंकि प्रैक्टिकली समझाया गया इसलिए मैंने लिया है, तो प्रैक्टिकली ये तीनों चीजें दिखाता हूं। नाउ लिटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं एक एक पे कैसे डिपेंड करता है। तो एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ से क्या होगा, लाइट का कलर चेंज हो जाएगा, अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होती, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है। देखो यहां से आई चेंज कर रहा है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत ध्यान से देखना। अब इसको समझने के लिए तुम्हें दो तीन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहां से लाइट रे आएगी, ऐसे अंदर बेंड हो जाएगी, और फिर यहां से यहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे और लाइट रे बाहर निकलेगी। आई देखो हम ज्यादा कर रहे हैं तो ये डी की वैल्यू बढ़ रही है, आई की वैल्यू कम कर रहे हैं तो डी की वैल्यू कम हो रही है, वर्टिकली एकदम जीरो हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट करोगे तो लिटरल शिफ्ट जीरो हो जाएगा, और आई की वैल्यू बढ़ेगी तो लिटरल शिफ्ट बढ़ेगा। आई थिंक समझ आ रहा होगा, आई की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो लिटरल शिफ्ट इंक्रीज करेगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन जेईई नीट में आ सकता है। और आई की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो लिटरल शिफ्ट डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगी तो आई की वैल्यू। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, तो है ना। इसको बार बार मैं स्क्रॉल करके फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो याद रखो आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लिटरल शिफ्ट इंक्रीज करेगा, और आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो लिटरल शिफ्ट डिक्रीज करेगा। तो ये तो समझ आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लिटरल शिफ्ट कैसे डिपेंड करता है। और आई थिंक तुम्हें लिटरल शिफ्ट समझ में आया होगा कि लाइट की इनिशियल डायरेक्शन और लाइट की फाइनल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ये वाली है और ये फाइनल डायरेक्शन ये वाली है, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो लिटरल शिफ्ट होती है। तो लिटरल शिफ्ट पहली बात किस पर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करती है। फिर कह रहे हैं थिकनेस पर डिपेंड करती है, थिकनेस चेंज करके देख लो। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हो गया, अब थिकनेस चेंज करते हैं। लेट्स चेंज थिकनेस, थिकनेस पे कैसे डिपेंड करेगी, थिकनेस ज्यादा करो डी बढ़ेगी। अब ये लॉजिकली समझाना है, ये तुम डायग्राम से समझ सकते हो, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है फिलहाल, ठीक है। थिकनेस कम करोगे डी की वैल्यू कम होगी, थिकनेस बढ़ाओगे डी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय डायग्राम। ज्यादा थिकनेस होगी तो ज्यादा नीचे आना पड़ेगा। अभी आई फिक्स कर दिया, इसमें क्या है, आई फिक्स कर दिया, ज्यादा थिकनेस होगी ज्यादा ऐसे नीचे आना पड़ेगा, तो डी शिफ्ट डी बढ़ेगा। तो फॉर मोर थिकनेस मोर लिटरल शिफ्ट, लेस थिकनेस लेस लिटरल शिफ्ट। तो ये तुम्हें प्रेजेंटेशन से समझ में आ रहा होगा, ज्यादा थिकनेस ज्यादा डी, कम थिकनेस कम डी, ज्यादा थिकनेस ज्यादा डी, कम थिकनेस। आई थिंक समझ गए। तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ भी लिटरल शिफ्ट बढ़ता है और थिकनेस के साथ भी लिटरल शिफ्ट बढ़ता है। थ्योरी में थोड़ी सी नींद आने लगती है समझाने में, मगर थ्योरी समझाना तुमको भी आ रही होगी शायद, मगर थ्योरी समझाना कंपलसरी है। मुझे भी थोड़ा बोरिंग, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नींद नहीं आती। अभी क्या है थ्योरी, मगर थ्योरी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी नींद नींद आ रही हो तब भी उसको हटाओ, आंखों पे पानी मारो और चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, ये हो गया, ये तो समझा दिया, दिख गया तुम्हें। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर वैरी करते हैं, ये प्रैक्टिकली समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ाते हैं तो डी बढ़ता है, तो यहाँ पे लाइट बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो कम हो रहा है। ये तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि इसको तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ना या घटना देख नहीं सकते। तो प्रैक्टिकली अगर म्यू बढ़ता है, म्यू कम होता है तो डी कम होता है, म्यू बढ़ता है तो डी बढ़ता है, सबसे बढ़ता है। आखिरी में लास्ट डिस्कशन है वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, ये इस पे हो गया। वेवलेंथ मतलब कलर चेंज करेंगे। अभी हमारे पास रेड लाइट है, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तुम्हें पता ही होगा विबग्योर, है ना। विबग्योर, थोड़ा सा विबग्योर के बारे में यहाँ पे बता ही देता हूँ जिनको नहीं पता है, तो अपना पेज लेके आता हूँ। ये तो पेज नहीं है, वेट 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 वेट, अपनी शक्ल पेज लेके आता हूँ यहाँ पे, पेज, हाँ ये पेज था, जस्ट कम टू पेज, जस्ट कम टू पेज, नेक्स्ट पेज चलते हैं। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो डिस्पर्जन में काम आएगा,
लिख लेते हैं विबग्योर, VIB विबग्योर, आई थिंक इसका मतलब तुम्हें पता होगा, बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, एंड ओ फॉर, एंड ओ फॉर ऑरेंज रेड, है ना, रेड फॉर रेड, आर फॉर रेड सॉरी। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करती है एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है। वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और ऑब्वियसली वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। रिलेशन तो तुम्हें पता ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। एक चीज अगर मैक्सिमम होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। एक चीज मैक्सिमम होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, नाउ क्लियर है? तो ये आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा, मैं आगे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूं, फिर प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है वो ध्यान से देख लो, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ये भी प्रेजेंटेशन में दिख जाएगा। कलर हम चेंज करेंगे, अभी सब कुछ फिक्स है ना, तो थिकनेस चेंज कर रहे हैं ना, अभी एक एक करके डिपेंडेंस देख रहे हैं। पहले हमने सिर्फ एंगल चेंज किया, फिर हमने सिर्फ थिकनेस चेंज की। पहले जब एंगल चेंज किया तो सब कुछ सेम था, थिकनेस सेम थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, वेवलेंथ सेम था। फिर जब थिकनेस चेंज कर रहे हैं तो एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ सेम होगा। फिर हमने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया तो बाकी सब चीजें फिक्स थी, और आखिरी में जब हम वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं तो बाकी सब फिक्स है, थिकनेस फिक्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है। चलो चेंज करते हैं वेवलेंथ, अलग कलर कर दिया। देखो वेवलेंथ रेड से क्या कर दी, क्या कर दी, येलो कर दी। तो येलो की जो वेवलेंथ है, रेड की मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ कम कर दी, तो डी पे क्या फर्क पड़ा, ये डी पड़ गया, सबसे बढ़ता है येलो पे। फिर हमने और कम कर दी विबग्योर, है ना, ग्रीन की तरफ आए तो वायलेट की तरफ आए, तो वायलेट का डी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, और रेड में तो जिस तरफ हम वायलेट की तरफ बढ़ते हैं तब भी, यानी हर एक केस में डी की वैल्यू बढ़ती है, लेटरल शिफ्ट बढ़ता है। तो इसको भी एनसीईआरटी में लॉजिकली इसी तरह से, एनसीईआरटी में फॉर्मूले से एक्सप्लेन नहीं किया है, एनसीईआरटी में भी इसी लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया है, थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया है। तो जो एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन था मैंने दे दिया, थोड़ा सा बोरिंग था मगर ये ग्राफिक्स की हेल्प से थोड़ा सा इजी हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, तो समझ लिया तुमने, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो आज इसको, प्रेजेंटेशन को खत्म करते हैं, नेक्स्ट। हाँ, नाउ लेट्स सी फर्दर। नेक्स्ट ये हो गया, अब ये कुछ बेसिक वाले देसी क्वेश्चन, इनको मैं एक्चुअली बोर्ड टाइप के क्वेश्चन है। जस्ट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस इतना, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना फॉर द इंसिडेंट, व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ, लेटरल शिफ्ट का मैंने डेरिवेशन कर दिया क्या, लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन भी तो होना चाहिए, लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन, एक मिनट, न्यूमेरिकल बाद में, तो पहले डेरिवेशन तो आ जाए। हाँ, वेट वन सेकेंड, डोंट हैव द डेरिवेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट, वेट सेकेंड, मैं ढूंढ लेता हूँ, इसको हटाता हूँ, जस्ट मैं ढूंढने की प्रोसेस कर रहा हूँ, वेयर इज द डेरिवेशन, नहीं तो फिर डेराइव करूंगा। आई थिंक डेरिवेशन का प्रेजेंटेशन था मेरे पास। वेट फॉर सेकेंड, पता नहीं कहाँ पे है, तो आई थिंक मुझे डिराइव करना पड़ेगा लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन, बोर्ड में है कि नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पहले एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जस्ट थिंक मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, जस्ट डू वन क्वेश्चन।
और क्वेश्चन किस टॉपिक से, पुराने किसी टॉपिक से देता हूँ, अभी ये टॉपिक तो प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग। एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं देखता हूँ कि प्रेजेंटेशन है, नहीं तो खुद डिराइव करूंगा। ठीक है, चलो डू दिस क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन इज विजिबल। इन द फिगर शोन, कंसिडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द कॉन्वेक्स एंड द सेकेंड रिफ्लेक्शन एट द प्लेन मिरर। द प्लेन मिरर रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड अबाउट ओ। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ये पहला क्वेश्चन है, तुम्हारी भी नींद गायब होगी। चलो क्वेश्चन का आंसर दो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन पिछले टॉपिक पे, तब तक मैं देखता हूँ मेरे पास डेरिवेशन है कि नहीं है, कि मैं जो खुद करना पड़ेगा। विजिबल आंसर कमेंट बॉक्स में, या तो व्हाट्सएप पे कमेंट करो या फिर यूट्यूब पे कमेंट करो, जहां मर्जी हो वहां कमेंट करो। ओके, तो जस्ट मैं कमेंट बॉक्स की तरफ आता हूँ। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, किसका कोई आंसर आया? कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं। स्ट्रीमिंग तो चल रही है ना? हाँ, कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं। बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? डिफिकल्ट तो नहीं किया मैंने, नो कमेंट्स। हाँ ये, हाँ फटाफट इसको करो। अरे वो 20 के आसपास, 20 से ऐसे ऐसे 20 20 बोल दो। आंसर के लिए कोई कमेंट नहीं, लास्ट में गुड मॉर्निंग का कमेंट था, नो कमेंट फॉर आंसर। फटाफट सॉल्व करो इसको। डिफिकल्ट। इन द फिगर शोन, कंसीडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द कॉन्वेक्स मिरर एंड द सेकेंड रिफ्लेक्शन एट द प्लेन मिरर। द प्लेन मिरर रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड अबाउट ओ। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। इनिशियल स्पीड ऑफ द
इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इनिशियल स्पीड ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. ओके नो आंसर. तो मैं शुरू, अभी तक किसी का कुछ आंसर नहीं आया. ओके तो इसको मैं, एक मिनट, एक काम करना, इसको भी सॉल्व एंड पोस्ट कर देना. मैं अभी नहीं बता रहा इसको, सॉल्व एंड पोस्ट, ठीक है? क्योंकि हम इसको कर चुके हैं तो आराम से अटेम्प्ट करो और बोलो सॉल्व एंड पोस्ट जितना हो सकता है ना. स्पीड स्पीड कहाँ पे निकालनी है, कुछ गड़बड़ो. मैं, मुझे प्रेजेंटेशन मिल गया तो आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, है ना. सॉल्व एंड पोस्ट, वेट एंड सॉल्व एंड पोस्ट. इसको, इसका सोल्यूशन पोस्ट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना और मैं देखता हूँ आगे. मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ, जस्ट स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन. जस्ट स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, टू सेकेंड्स. हम वहीं पे वापस आ जाते हैं. आई थिंक क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिया होगा, इसमें सेव भी होगा, तो अटेम्प्ट करो फिर बाद में पोस्ट करो. चलो इसको देख लेते हैं. जो पहला एग्जांपल था जो हमने लिया था, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस रूट 3 सेंटीमीटर एट एन एंगल 45 डिग्री, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज रूट 2 फॉर द इंसिडेंट लाइट, व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ द इमर्जेंट लाइट. ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? इसकी हेल्प से लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन करना है, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला निकालना है. इसी एग्जांपल में डेरिवेशन है, ठीक है? नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन है, वो भी ऐसे ही कर सकते हो. तो अगर रिक्वायर हुआ तो फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, मगर डेरिवेशन का मेथड ही इसमें यूज किया गया. तो इसको ध्यान से देखो, सवाल को मैं साइड में डालता हूँ, जस्ट वेट. यहां पर ये डायग्राम हो गया, सवाल ऊपर है. तो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, आई थिंक इट इज विजिबल, प्रॉपर तरीके से विजिबल है. लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे पी क्यू के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, फिर अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है? लिटरल शिफ्ट हमें ये निकालना है, टी आर ये निकालना है. तो कैसे निकालेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 45 डिग्री है ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस सबको दिख रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री, ठीक है? इसको आई थिंक सवाल तुमने पढ़ लिया होगा. इसको, यहाँ पे सबसे सही रहेगा. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, इसको आगे बढ़ाते हैं. उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है? स्नेल्स लॉ यूज करें तो n इज इक्वल टू साइन आई आर होता है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है? स्पेशली एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, नहीं तो हम बाकी जेई वगैरह के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग वैसे ही म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू ऐसे करते हैं, मगर एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है. तो ये भी तरीका देख लो कि एन लिखना है तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा. देन एन की वैल्यू रूट टू है, आई 45 डिग्री है, आर की वैल्यू निकाल ली, साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, और यहाँ से आर की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है? तो ये R की वैल्यू आ गई. उसके बाद ट्राइंगल देखो, QMR ट्राइंगल. एक्चुअली में लिटरल शिफ्ट ये वाला है, तो पहले हम ये निकालेंगे, हाइपोटन्यूज निकालेंगे. तो QMR ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? QMR ट्राइंगल में cos R इज इक्वल टू QM, cos R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, QM अपॉन QR. तो बेस अपॉन हाइपोटन्यूज हो गया, QM अपॉन QR. R की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है? तो cos r की वैल्यू पुट कर देंगे, cos 30, qm की वैल्यू हमें पता है, इसकी थिकनेस रूट 3 सेंटीमीटर है, तो रूट 3 अपॉन qr हो जाएगा, है ना? cos 30 रूट 3/2 होता है,
ठीक है, cos 30 रूट 3 बाई 2 होता है, यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन भी हम ऐसे ही करते हैं। इसमें क्या न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दिया है वो फॉर्मूला नहीं दिया है, मगर फॉर्मूले का डेरिवेशन एग्जाम्पल में ले लिया है, फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो एग्जाम्पल में ले लिया है। तो ये बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन भी हो गया और फॉर्मूला भी हो गया। कई लोग क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले के फॉर्मूले रट लेते हैं, तो जैसा भी है वो फॉर्मूला भी कर सकते हो और बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से करना ज्यादा अच्छा है। तो क्यू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई, क्यू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। आफ्टर दैट हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में हमें निकालना है लेटरल शिफ्ट। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, ये पूरा एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाउ साइन आई माइनस आर यूज कर सकते हैं हम। तो जल्दी से आई माइनस आर की वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये 45 डिग्री था, आर 30 डिग्री आ चुका है, तो आई माइनस आर 15 डिग्री हो जाएगा। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल क्यू टी आर, ठीक है, तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू आर। तो टी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर साइन आई माइनस आर। तो ये फॉर्मूला भी ऐसे बना देते हैं कुछ लोग, एक ही बात है, फॉर्मूला समझो या न्यूमेरिकल समझो। तो क्यू आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्यू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो साइन आई माइनस आर 15 डिग्री हो जाएगा। तो टी आर की वैल्यू साइन 15.26 होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चाहो तो निकाल सकते हो साइन 45 माइनस 30 करके, अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बट वैसे वैल्यू दे रखी होगी। बाकी अगर वैल्यू तुम्हें निकालनी हो तो यू कैन फाइंड यहाँ से, ये ऐसे निकालना तो निकाल सकते हो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो नॉट नेसेसरी ये फालतू का काम कर रहा हूँ। अगर बाय द वे निकालना हो तो साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे करके साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस 45 साइन 30। तो अगर ऐसे यहां पे साइन 45 की वैल्यू पुट करोगे, कॉस 30 की वैल्यू पता होती है, कॉस 45 की वैल्यू पुट करोगे साइन 30, मगर इस क्वेश्चन में गिवन है, अगर बाय द वे निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से जो लिटरल शिफ्ट है टी आर की वैल्यू आ जाएगी, टी आर की वैल्यू आ जाएगी 2 × 0.6 के बराबर। तो इसमें डेरिवेशन का भी मेथड हो गया, डेरिवेशन का भी मेथड हो गया, और एक साइड में न्यूमेरिकल भी हो गया। तो वाया न्यूमेरिकल एक डेरिवेशन का मेथड हो गया, ठीक है। तो दिस इज, हाँ, तो ये हमने ग्लास स्लैब डिस्कस कर लिया, ग्लास स्लैब का डिस्कशन हो गया। नाउ नेक्स्ट एक और इसमें डेरिवेशन है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का, तो देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन, अभी टाइम है कर लेते हैं, तो सारी चीजें निपटा देते हैं फटाफट, अभी 48 मिनट हो चुका है, आई थिंक 5 मिनट और है, तो फटाफट करते हैं इसको, 5 मिनट और है, 5 मिनट और कर लेते हैं, एक और डेरिवेशन है फटाफट निपटाते हैं, आज बहुत काम हो गया, जल्दी से। नेक्स्ट देखो, यहां पर एक सपोज करो हमने एक कंटेनर ले रखा है, जल्दी जल्दी आ जाओ, है ना, फटाफट आ जाओ, ये कंटेनर ले रखा है, कंटेनर में एक सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, बॉटम पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ है वो एच के बराबर है, एच इज रियल डेप्थ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के बराबर है। तो यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही है, एक लाइट रे सीधी चली जाएगी इस तरह से, ठीक है, बहुत ईजी है, दूसरी लाइट रे ऐसे आएगी और नॉर्मल से दूर हटेगी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे और ये नॉर्मल से दूर हट गई, ठीक है। तो जैसे कॉइन वाला केस था, तो इसकी जो इमेज है O की इमेज यहां पर बनेगी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे ये हो जाएंगी, ये इंसिडेंट लाइट रे हो जाएंगी, फिर यहां पर ये इसकी इमेज बनेगी O डैश, ठीक है, O डैश इमेज हो गई। तो O की इमेज थोड़ी सी ऊपर बनेगी, जैसे कॉइन अगर यहां पे रखा है तो कॉइन की इमेज O डैश ऊपर बनेगी, ठीक है। तो उसको करते हैं, इसमें डेरिवेशन करते हैं। अब बेसिकली इसकी जो अपरेंट यहां से सरफेस से लेते हैं सारी डेप्थ, सब कुछ यहां से मेजर करेंगे इस लाइन से, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सरफेस की ये जो डेप्थ होगी इसको अपेरेंट डेप्थ बोलेंगे, इसकी रियल डेप्थ ये थी, आई थिंक इट इज विजिबल ना, इसकी एच इसकी रियल डेप्थ थी, दिख रहा है, एच वॉज रियल डेप्थ,
ये h इसकी रियल डेप्थ है और इसकी जो अपरेंट डेप्थ है ये h डैश के बराबर है। ये वाली ए ओ डैश इस इसकी रियल डेप्थ ये वाली हो गई h और ये अपरेंट डेप्थ हो गई। तो रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, ठीक है, h डैश इज अपरेंट डेप्थ। नाउ अब कुछ सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, ये शायद टेंथ में भी पढ़ाओ, नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद ये ए बी ओ पॉइंट ले लो, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से बाकी सी एम डैश ये सब पॉइंट ऐसे पॉइंट आउट कर लिया। नाउ ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसको। नाउ टेन आई की वैल्यू, ये वाला टेन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल टेन आई इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया ए बी अपॉन बेस कितना हो गया ओ ए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बहुत ईजी है, ए बी अपॉन बेस, ठीक है, टेन आई आ गया। नाउ दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बेस किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। फिर दूसरी चीज हम ले लेते हैं टेन आर, यहां से इसको भी ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ए बी हो गया, बेस कितना हो गया ओ डैश ए के बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन आई की वैल्यू आ गई, टेन आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां से ए बी अपॉन एच डैश हो गया, ये ए ओ डैश एच डैश के बराबर है, सिंपल। नाउ उसके बाद टेन आई अपॉन टेन आर, उसका रेशियो निकाल लो, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू किसके बराबर, ए बी कैंसिल हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच आ जाएगा, है ना, ईजी है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो टेन आई अपॉन टेन आर कितना आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद फॉर स्मॉल एंगल आई एंड आर, अगर आई और आर स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल को में क्या होता है, साइन आई टेन आई के बराबर होता है। टेन आई और देखो स्मॉल एंगल के लिए जो कंडीशन है, तो अगर थीटा की हमेशा से याद, हमेशा के लिए याद रख लो कि अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो है, अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो है तो साइन थीटा जो है उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। और तीसरी चीज़, क्योंकि दोनों थीटा के बराबर है तो साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा के बराबर हो जाएगी, और कॉस थीटा को वन लिख सकते हैं, कॉस थीटा को, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है ना, बाकी साइन जीरो भी जीरो होता है, टेन जीरो भी जीरो होता है, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली वन हो जाएगा। ये तब होगा जब थीटा टेंडिंग टू जीरो होगा, तो ये कंडीशन लिमिट की याद रखोगे, ये ऑप्टिक्स में बहुत यूज होंगी। तो यहां पर आई स्मॉल एंगल है, आई और आर, तो इसमें स्मॉल एंगल के लिए टेन आई इज इक्वल टू साइन आई हो जाएगा और टेन आर इज इक्वल टू साइन आर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐसे लिख लो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होगा, तुम्हें पता ही है, वन अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर, ठीक है। क्योंकि यहां पर बेसिकली ऐसे कर सकते हो, जो फॉर्मूला है सिंपल तरीके से, n sin i, n इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, n sin i इज इक्वल टू वन sin r, है ना, यहाँ पे n इंटू sin i इज इक्वल टू वन sin r, n इंटू sin i इज इक्वल टू वन sin r। तो sin i अपॉन sin r कितना हो जाएगा, ऐसे पढ़ो, n sin i इज इक्वल टू वन sin r, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू वन अपॉन n के बराबर आ गई। तो यहाँ से जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो h अपॉन h डैश हो जाएगा, h डैश इज अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो ये h डैश इज इक्वल टू, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो ये तो हमने, टाइम सफिशिएंट हो चुका है, टाइम खत्म होने वाला है, तो ये तो हमने एनसीईआरटी के मेथड से कर लिया। आगे हम, मैं इसी चीज को जो है अलग मेथड से करूंगा, तो दो दो मेथड से पता होगा। एक और मेथड है जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाले मेथड से, जब हम कर्व सर्फेस डिस्कस करेंगे तो उसी के फॉर्मूले को प्लेन सर्फेस में भी लगाएंगे, तब भी ये आएगा, और जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है उसमें दूसरा मेथड यूज होगा। तो ये मेथड एनसीईआरटी में सब में गिवन होता है, तो ये मेथड इसलिए हमने जल्दी जल्दी कर लिया, बहुत इजी मेथड है, और अगर स्कूल में पूछा जाएगा तो इस मेथड से करोगे, जो मेथड अभी बताया। बाकी जेई नीट में तो कोई मेथड पूछना ही नहीं होता है, जेई नीट में तो सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो सवाल करने में तुम कौन सा मेथड लगाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम स्ट्रीमिंग का काफ़ी हो चुका है, दो सवाल तुम्हारे पास है, एक मैंने क्लासरूम में क्वेश्चन दिया मिरर रोटेट करने वाला, कोई दिक्कत हो तो बताना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी आ रही हो, कोई दिक्कत हो, क्योंकि कोई डेटा मिसिंग हो, तो पहले एक्चुअली में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको समझ लेना। अगर क्वेश्चन तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा, कोई डेटा मिसिंग है, तो क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। फिजिक्स में यही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले उसको समझ लो,
और तुम्हें लगे कि समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत हो सकता है, तो एक बार कंसल्ट करना कि मुझे लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग, तो मैं उसको, तो दो क्वेश्चन तुम्हारे पास अच्छे अच्छे हैं, एक तो मैंने आज दिया अभी और एक क्वेश्चन मैंने पहले पोस्ट कर रखा है, दोनों को ट्राई करके जितनी जल्दी हो सके वॉल पे पोस्ट करो, सारे लोग देखेंगे, मैं भी देखूंगा, ठीक है, एंड दे आर गुड क्वेश्चन। तो खत्म करते हैं स्ट्रीमिंग, और आई थिंक मैंने ये खत्म कर लिया, अब हम इसके बाद प्रिज्म डिस्कस करेंगे, इसके आई थिंक इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं कर्व सरफेस में लूंगा, ठीक है, ये बेसिक लेवल के बाद, इसके बाद सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हम अगला डिस्कशन करेंगे प्रिज्म का डिस्कशन, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिज्म का डिस्कशन करेंगे। चलो बंद करने का हूटर बजाता हूँ, इट्स अ फिनिशिंग हूटर, लेट्स हूट, फिनिशिंग हूटर, दिस इज माई फिनिशिंग हूटर।